गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ एक शीर्षक वर्ग या एक पोयम था। पोयम हम लोगों ने पढ़ा, उसके साथ कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़ा था। इसके आगे का मेन पढ़ेंगे हमारा है प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है, कवि ने भारत में क्या भरने को कहा है। कवि ने भारत में क्या भरने को कहा है। उत्तर है, कवि ने भारत में ज्ञान रूपी प्रकाश भरने को कहा है। उत्तर फिर से बोलिए मैम, कवि ने भारत में ज्ञान रूपी प्रकाश भरने को कहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि ने किस देवी की स्तुति की है। कवि ने किस देवी की स्तुति की है। उत्तर है, कवि ने शारदा देवी की स्तुति की है। तीसरा प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र राव से क्या तात्पर्य है। स्वतंत्र राव से क्या तात्पर्य है। उत्तर होगा, स्वतंत्र राव से तात्पर्य है कि मां शारदा वर्दे की पूरे भारत में आजादी का स्वर फैला रहे। मैं एक फिर से आपके लिए बताती हूँ, स्वतंत्र राव ने राव से भारत सॉरी स्वतंत्र राव से तात्पर्य है कि मां शारदा वर्दे की पूरे भारत में आजादी का स्वर फैला रहे। ये तीन प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, भारत को प्रकाशमान करने के लिए कवि ने किस देवी की आराधना की है। भारत को प्रकाशमान करने के लिए कवि ने किस देवी की आराधना की है। उत्तर होगा, भारत को प्रकाशमान करने के लिए कवि ने मां शारदा देवी की स्तुति की है। भारत को प्रकाश प्रमाण करने के लिए कवि ने मां शारदा देवी की आराधना की है। पांचवा प्रश्न है हमारा, पक्षी सकुन के लिए कवि की प्रार्थना क्या है। फिर से सुनिए, पक्षी संकुल के लिए कवि की प्रार्थना क्या है। उत्तर होगा, पक्षी सकुन के लिए कवि की प्रार्थना है कि हे मां शारदा, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को क्या पक्षियों को नया पंख और नया स्वर दे। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको। पक्षी संगुर के लिए कवि की प्रार्थना क्या है। उत्तर होगा हमारा, पक्षी सर्कुल के लिए कवि की प्रार्थना है कि हे मां शारदा, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को नया पंख और नया स्वर दे। छठा प्रश्न है, कवि ने देवी से क्या वर मांगा है। कवि ने देवी से क्या वर मांगा है। उत्तर है, कवि ने देवी से वर मांगा है कि चारों ओर सुख शांति हो और भारत देश आनंदमय हो। कवि ने देवी से वर मांगा है कि चारों ओर सुख शांति हो और भारत देश आनंदमय हो। ये सारा क्वेश्चन विद आंसर आप अपने क्लास वर्क में एक टाइम लिखिए और तीन टाइम प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। थैंक यू।